हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सूट की फोल्ड बाजू एंड लुपी बाजू किस तरह से लगाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बाजू की ये डिज़ाइन बनाना बताएंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने कटरास कपड़े ले लिए हैं, तो कपड़ों को हमने एक साइड में रख दिया है। ये हमारी बाजू है, तो बाजू हमारी इस तरह से है, दोनों बाजू एक साथ में है। तो इस तरफ उल्टे हिस्से पर हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसमें से क्या करेंगे, एक पार्ट को उठाएंगे और इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब इसमें हम पट्टी लगाने के लिए इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है कंट्रास्ट। तो ये 1.5 से 2 इंच हमारी चौड़ी है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसको ले सकते हैं जितना भी आपको इसको चौड़ा बनाना है। तो बाजू को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और पट्टी को भी हम उल्टा रखेंगे और हाफ पैर का मार्जर लेकर इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर नाखून लगा लेंगे। अब इस पर हम क्या करेंगे, लपकी सिलाई इस पर लगाएंगे, जिससे हमारी जो पट्टी है बहुत ही आसानी के साथ पलट जाएगी, हमें बाद में सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पट्टी को आगे की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि जब हम इसको पक्का करेंगे तो हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद इस तरह से हम बाजू का सेंटर कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें लूप्स लगाना है। तो यहां से हम इस तरह से चौक से इसका निशान उठा लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हम लूप्स बनाएंगे, तो लूप्स बनाने के लिए हम कंट्रास्ट कपड़ा ले लेंगे। तो हम एक पट्टी को ले लेते हैं, इस तरह से हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। तो क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दो बाजुओं के लिए हमें इसको बनाना है। तो एक बाजू के लिए हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको दूसरी बाजू के लिए भी बनाना है। तो इस तरह से हम इसको 1/2 इंच इस तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम बना लेते हैं। अब हम लूप को अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमने बाजू को उल्टा रखा हुआ है और जितनी दूरी पर हम इसको लगाना चाहते हैं वहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे और लूप्स की पट्टी को हमने इस तरह से उल्टा रखा हुआ है। अब इसको हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये लूप्स अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा पलट कर आएगा। पलट कर आने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर हम एक बटन लगा लेंगे, जिससे हमारा जो है फाइनली लुक इस तरह से आ जाएगा।